हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाले दम आलू। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। अब सेम तरीके से मैं टमाटर भी मैंने ले लिए 2 से 3, उसको भी मैं अच्छे से इसको कट कर लूँगी। और पालक को भी हमें सेम धो के उसकी भी मिक्सी जार में डाल के प्यूरी बना लेनी है। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले वेजिटेबल को ही करना है। यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ भी छील ली है, तो यहाँ पे हमें 6 से 7 लहसुन की कलियाँ भी यहाँ पे हमें डाल देनी है। तो उसको भी मैंने इस तरीके से साइड से सारी करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले मैंने थोड़े से आलू मैंने उबाल के रख दिए थे और उसकी ऊपर की परत निकाल ली थी। तो अब उसको सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये वैसे भी बॉईल किए हुए है, तो इसको हमें ऐसे ही ऊपर गोल्डन कलर की परत आ जाए तब तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू एक के बाद एक डाल दिए हैं। तो यहाँ गरम तेल में इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे इसको हमें गोल्डन होने के बाद इसको साइड चेंज कर लेनी है। तो अब ये थोड़े से इस साइड हो गए, तो यहाँ पे हम साइड चेंज कर लेंगे और इस साइड से भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए, तो ही ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। वरना ऐसे ही आप कर दोगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा अच्छा और आपको इतनी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इसको हमने इस तरह से सारे आलू को पलट दिया है और इसको इस साइड से भी हम अच्छे से गोल्डन थोड़े से होने देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखनी है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी होए, वरना क्या होगा कि आपके आलू बाहर से जल जाएंगे और ये ब्राउन या तो फिर डार्क कलर के हो जाएंगे। तो इसको इसी तरह से हमने सारे के सारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गए, हमें बस ऐसे ही करने हैं, थोड़े से ये ऊपर से क्रिस्पीनेस आ जाए तब तक हमें इसको कर लेंगे। तो अब सारे को हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल सूखी मिर्च, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग। और यहाँ पे अब मैं जो हमने प्याज और टमाटर की जो प्यूरी बना के रेडी करके रखी थी वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम हमारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से ऐसे चला लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं जीरा वगैरह और हमारे सूखे मसाले वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, जिससे क्या होगा कि हमारे प्याज और टमाटर फटाफट से एकदम पक जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी मसाले। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो वो सब मसालों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें सब रच जाए और इसका टेस्ट और फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए। तो सारे मसाले को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पालक की प्यूरी बना के रेडी की हुई है वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें पालक की प्यूरी सेम हमने जैसे टमाटर और प्याज की उसी तरह से इसकी भी कर ली थी, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स ताकि हमारे सारे मसाले के साथ ये हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारे चीज़ों को इकट्ठा करके इस तरीके से मिक्स करके पका लेना है। तो अब हम इसको ढक देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एकदम घी आ गया है और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब कि ये अच्छे से पक गई है। तो इसको अच्छे से अभी हम चला लेंगे और देख लेते हैं कि ये मसाला हमारा अच्छे से रच गया है। तो इसमें हमारी पालक और हमारे टमाटर प्याज भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हमें बाद में ही डालना होता है, हमें पहले नहीं डालना होता है, इसलिए वो मैंने यहाँ पर बाकी रखा था। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हमारे बॉईल और हमने थोड़े से फ्राई किए हुए आलू। तो यहाँ पे हमें आलू डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
ताकि जो मसाले है वो अच्छे से हमारी ग्रेवी और आलू दोनों अच्छे से कोट हो जाए। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से बनाने वाली सब्जी, ये बहुत ही बढ़िया बनती है और खाने में भी ये टेस्टी है। यहाँ पे मैं एक चम्मच, बड़ा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून, जिससे क्या है कि इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इस तरीके से हाथ से घिस के ऐड कर रही हूँ, वो भी हमें इस तरीके से ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से हम चम्मच की मदद से चला लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से और फटाफट बनने वाली सब्जी है ये, खाने में बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, और ये बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसको वापस से हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। इसको वैसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमारे आलू में सारे मसाले अच्छे से रच जाए तब तक हमें पका लेना है। तो ये हमारी रेडी हो गई। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो है ना बिल्कुल आसान तरीके वाली सब्जी, ऐसे पालक आलू, दम आलू की तरह, हमारा पालक का दम आलू। तो ये बनके हो गया है रेडी। और अब तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप मेरे नए नए रेसिपी के वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसके साथ खाने के लिए रोटियां बना लेंगे। आप चाहो तो इसके साथ पराठा भी खा सकते हो, पर मैं यहाँ पे रोटी ही बनाने वाली हूँ। तो फुली फुली रोटी के साथ ये गरम गरम हमारी सब्जी और गरम गरम हमारी रोटी, ये तो खाने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने डिनर में साथ में रोटी बना ली है, तो रोटी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो अभी इस रोटी के साथ हम सब्जी को भी सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी हमारी बढ़िया सब्जी बनकर रेडी हुई है। तो अब इसको हम प्लेट में सर्व कर देते हैं गरम गरम रोटियों के साथ। बच्चों को भी ये गरम गरम रोटियों के साथ ऐसी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप घर पे इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।